आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी क्या होता है और फिर उसके बाद उसके फीचर्स दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम डिस्कस करेंगे और डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यूटिलिटी के ऊपर, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ DMU। व्हाट इज़ DMU? जो DMU होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बेस पे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, सो ये लेक्चर पूरा ध्यान से देखना। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके फीचर्स और स्कोप और इम्पॉर्टेंस, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे आई बटन में, ठीक है। और इस टॉपिक का अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स का भी अलग से दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन देख के इजीली विजिट करके आप स्टडी कर सकते हैं, या तो फिर जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके हिसाब से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ऐसा फील कीजिए कि आपका लेक्चर हो रहा है क्लास में और आप बैठे हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। और कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करते जाइए, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं यूटिलिटी पहले क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड फर्दर हम लोग फीचर्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यूटिलिटी का इन जनरल में अगर आप मीनिंग देखोगे, व्हाट इज़ यूटिलिटी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूटिलिटी क्या है, तो एक नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, नीड्स, कोई चीज़ के रिक्वायरमेंट या कोई वॉन्ट्स, जैसे आपको चाहिए, ज़रूरत है कोई चीज़ की, या तो किस आपका डिज़ायर, ये क्या होता है यूटिलिटी। व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी नीड्स, वॉन्ट्स और डिज़ायर, ठीक है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपको कोई चीज़ चाहिए या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। बट इकोनॉमिक में यूटिलिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये इन जनरल मीनिंग में क्या होता है यूटिलिटी, कोई भी नीड, वॉन्ट्स और डिज़ायर, बट इकोनॉमिक्स में डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, देखिए यूटिलिटी क्या है, रिपीट विथ मी सो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, यूटिलिटी क्या है, पावर है और कैपेसिटी है। यूटिलिटी क्या है, पावर और कैपेसिटी। यूटिलिटी इज़ द पावर और कैपेसिटी। किसका पावर एंड कैपेसिटी है, कमोडिटी का, जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वॉन्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर है, अब मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, ठीक है, अब आपको प्यास लगी है और आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी क्या है, आपकी यूटिलिटी क्या है, वाटर है। क्या है यूटिलिटी आपकी, वाटर है। और आप इस वाटर के अंदर, ये वाटर क्या हो गया, कमोडिटी हो गया, तो यूटिलिटी क्या है आपको, वाटर की, और इस वाटर के अंदर इतनी पावर और कैपेसिटी है, इस वाटर के अंदर इतनी पावर एंड कैपेसिटी है, दैट मीन्स इस कमोडिटी के अंदर इतनी पावर एंड कैपेसिटी है, जो आपके जो वॉन्ट्स हैं, जो आपके वॉन्ट्स हैं, वो क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है, यूटिलिटी क्या है, पावर है कैपेसिटी। किसका पावर कैपेसिटी, कमोडिटी का, जो क्या करता, सेटिस्फाई करता। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फूड्स का, आपको भूख लगी है तो ये फूड क्या हो जाएगा, एक कमोडिटी हम लोग कंसिडर करते हैं, इट्स अ कमोडिटी, ठीक है। अब इस कमोडिटी के अंदर इतनी पावर कैपेसिटी है जो आपके वॉन्ट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप समझा व्हाट इज़ यूटिलिटी, आपको मोबाइल की जरूरत, मोबाइल है, ठीक है, अब जो है एक मोबाइल है, अब ये मोबाइल क्या है, कमोडिटी है। अब इस मोबाइल के अंदर आपको मोबाइल की ज़रूरत है क्योंकि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ना है, तो इस मोबाइल के अंदर एक इतनी पावर एंड कैपेसिटी होगा जो आपके वॉन्ट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स नहीं, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ समझ में आ गया व्हाट इज़ यूटिलिटी। नाउ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब यूटिलिटी क्या होता है, लाइक व्हेन कंज्यूमर, जब कंज्यूमर क्या करता है, कोई चीज़ कंज्यूम करता है, व्हाट इज़ कंज्यूम। मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हो या फिर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं कंज्यूम करना। आप मोबाइल आपने खरीदा तो मोबाइल का यूज़ करो, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग। आप टीवी खरीद रहे हो, राइट, आप खाने के लिए फूड ग्रेड जो है परचेस कर रहे हो। सो जब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है या उस चीज़ को बाय करता है, कमोडिटी को, और वो ये सोचता है कि उससे कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा,
क्या मिलेगा, ही एक्सपेक्ट टू गेट सम बेनिफिट, और उसको बेनिफिट किस फॉर्म में आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन के फॉर्म में। आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो एक आपके लिए बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो वही बोलता है कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम और बाय कमोडिटी, वो एक्सपेक्ट करता है, ही लाइक एक्सपेक्ट टू गेट सम बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट, जो भी उसकी ज़रूरत है, ओके। दिस बेनिफिट, और इसी बेनिफिट और इसी सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कस्टमर जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है जो बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन, उसी चीज़ को इकोनॉमिक में हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। इसके लिए दिस बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस बाय द कंज्यूमर इज रिफर्ड और इट कॉल्ड, यहाँ पे आप कॉल्ड भी लिख सकते हैं, इट कॉल्ड बाय इकोनॉमिक्स एज अ यूटिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज यूटिलिटी? अब यूटिलिटी अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको टोटल यूटिलिटी भी समझ में आ जाएगा और फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी ऐसा मानिए कि यहाँ पे मैं मैंगो का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने मैंगो है, कितने 5 मैंगो है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, आपके सामने 5 मैंगो है, ठीक है, आपके पास लाइक आपके सामने 5 मैंगो है। अब मुझे आपका सिंपल आपसे क्वेश्चन है कि जब आप पहला मैंगो कंज्यूम करोगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप कमेंट करके बताना, ओके। जाहिर सी बात है कि अगर आपने पहला मैंगो खाया तो आपको जो सेटिस्फैक्शन जो आपको एक्सपीरियंस हुआ रहेगा वो बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा, दूसरा कंज्यूम किया रहेगा तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन हो गया रहेगा, राइट, तीसरा कंज्यूम किया रहेगा तो और लेवल डाउन हो गया रहेगा। तो जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे आपका लेवल सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, कम होते जाता है, राइट। ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ कि आपने 5 मैंगो कंज्यूम किया और उस 5 मैंगो से आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिले रहेगा उसका टोटल को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। आई रिपीट, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके सामने 5 क्वांटिटी है, वो 5ों क्वांटिटी को आपने कंज्यूम किया और उसके बाद सबका सेटिस्फैक्शन मिला के जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। ऐसा अज्यूम करिए कि आपने पहले जब कंज्यूम किया था तो आपको 5 यूटिलिटी मिला था, दूसरा कंज्यूम किया था आपको 4 मिला था, तीसरा आपने कंज्यूम किया था तो आपको 2 मिला था, और चौथा जब आपने कंज्यूम किया तो 1 ही मिला, 5वां कंज्यूम किया तो कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो अब देखिए 5, 4, 9 हो गया, 9, 2, 11 और प्लस 12, तो आपको टोटल कितने मिले, 12 सेटिस्फैक्शन, मतलब 12 टोटल हुआ। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। देखो, इट रिफर्स, टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट रिफर्स टू सम, मतलब सबका टोटल, ठीक है, 5 मैंगो खाया जो सेटिस्फैक्शन मिला उसका टोटल, ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइड, कहाँ से डिराइड, कैसे पता चलता हमको, फ्रॉम ऑल यूनिट, फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब एक पर्सन ने मैंगो खाया, कंज्यूम किया 5ों मैंगो, और उससे जो उसको एक्सपीरियंस मिला उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। मान लीजिए आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपके सामने 5 समोसे रखे थे, ठीक है, आपने पहला समोसा खाया, दूसरा समोसा खाया, तीसरा समोसा खाया। अब जब आपने पहला समोसा खाया था तो आपको बहुत मज़ा आया था, ठीक है, दूसरा खाया तो थोड़ा मज़ा कम हो गया, क्योंकि मतलब सेटिस्फैक्शन आपका कम हो गया, प्लेजर लेवल आपका कम हो गया, तीसरा कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गया, जैसे जैसे आपका पूरा पेट भर गया जब, तो आपका फिर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, फिर आप कंज्यूम नहीं करोगे। तो आपने 5 समोसा खाया, ठीक है, अब उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे पहला समोसा खाया था तो मुझे बहुत मज़ा आया, दूसरे में हाँ ठीक ओके, तो ये सब का पूरा मिला के अगर मैं नंबर्स में काउंट करूँ तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इसके लिए हम टोटल यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होता है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इतना हमको सेटिस्फैक्शन मिला, ओके। चलो, अब यहाँ पर हम लोग सिम्बॉलिकली देख लेते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, MU क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे लिखा है, देखो मार्जिनल, ये इसका मतलब होता है टोटल, समेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखो मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल, तो एडिशनल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, क्या होता है, एक्स्ट्रा।
मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है और उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो उसको यूटिलिटी मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा मान लीजिए कि यही एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पहला एग्जांपल, अब पहला कंज्यूम किया, उसके बाद फर्स्ट के बाद जब उसने सेकंड कंज्यूम किया तो क्या हो गया, एडिशनल हो गया। सेकंड के बाद जब उसने थर्ड कंज्यूम किया तो क्या हो गया, एडिशनल हो गया। अब फिफ्थ के बाद अगर आप सिक्स कंज्यूम करोगे तो वो भी क्या हो गया, एडिशनल हो गया, राइट। तो एडिशन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर पांच समोसे के बजाय छह समोसा खा लिया, अपने सातवां खा लिया, आठवां खा लिया, राइट। तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, राइट। वो सब उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। रिपीट विथ मी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है और उस एक्स्ट्रा यूनिट से उसको जो यूटिलिटी मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सो इंग्लिश में कैसे आप खुद से एक्सप्लेन करोगे, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मैंने बोला, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम additional or extra unit of commodity from that commodity the utility derived is called as marginal utility। okay, यहाँ पे definition में पढ़ सकते हैं आप, marginal utility, utility जो derive किया जाता है कहाँ से, consumption of an additional or extra unit of commodity, उसको हम क्या बोलते हैं, marginal utility बोलते हैं। ये formula है, आप याद रखिए। अब देखो distinguishing is between, मैंने question में बोला था तो आप इसलिए लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग और उसके बाद इसका जो है फॉर्मूला, तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मार्क्स का इजीली हो जाएगा। और तीसरा चौथा पॉइंट आपका, आपको एक्सप्लेन करना है तो हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नाउ हमको यूटिलिटी समझ में आ गया, अब हम इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पहला पॉइंट क्या बोलता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, इट रिलेट विद द टाइम एंड प्लेस। जो यूटिलिटी होता है हमारा वो वक्त वक्त पे चेंज होते रहता है और प्लेस प्लेस पे भी चेंज होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी विंटर सीजन है तो अभी टाइम के हिसाब से हम अम्ब्रेला थोड़ी ना परचेस करेंगे, हम वूलन क्लोथ परचेस करेंगे जिससे हमको ठंड से बचे हम, ठीक है, जिससे हमको गर्म महसूस हो, राइट। जब बारिश होगी तो हम बारिश का प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट, रेनकोट खरीदेंगे, तो वो टाइम हो गया। प्लेस मतलब क्या होता है, ऐसा मान लीजिए कि सिटी में एप्पल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो चीज़ प्रोड्यूस किया, लाइक वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कश्मीर में प्रोडक्शन होता है उस चीज़ का, एप्पल का, लेकिन वहाँ पे उसकी यूटिलिटी कम है लेकिन सिटी में उसकी यूटिलिटी क्या ज़्यादा है, राइट, मानते हो चीज़ को। तो वही चीज़ होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए बोला है यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट because utility differ from place to place and time to time, okay, it differ from time to time and place to place, इसके लिए उसको हम लोग relative concept बोलते हैं। example के तौर पर आप लिख सकते हो umbrella have the utility only in the rainy season, similarly woolen cloth have more utility in Kashmir than Mumbai, जाहिर सी बात है कश्मीर में ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर woolen cloth का ज़्यादा requirement है ना, वहाँ पर ज़्यादा उसकी requirement का वहाँ पर ज़्यादा utility है लोगों की, समझ में आ गया। ओके चलो, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब वो तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब अगर मैं आपके बारे में, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो आप क्या हो जाओगे, एक सब्जेक्ट हो जाओगे। अगर आप मेरे बारे में बात करोगे तो मैं एक सब्जेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटी जो होता है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। आप मान लीजिए कि आपका पाँच फ्रेंड लोग का सर्कल है, अब पांच फ्रेंड जो होंगे सबकी यूटिलिटी सेम होगी क्या, नहीं, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी जो होता है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, मेरी यूटिलिटी कुछ अलग होगी, आपकी यूटिलिटी कुछ अलग होगी, राइट, मतलब आपके जो नीड वांट डिज़ायर जो है वो डिफरेंट होंगे और मेरे जो नीड वांट्स है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन कैसे करना है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए, जो कमोडिटी चाहिए वो सभी लोगों को चाहिए, इट कैन नॉट बी सेम। क्यों, बिकॉज इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाउ, जैसे मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन हो और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको वेज फूड का, आपको वेज फूड चाहिए रहेगा, मुझे नॉन वेज चाहिए रहेगा, राइट। सो
आपका सब्जेक्ट लाइक यू आर द वन पर्सन, आई एम द वन सब्जेक्ट्स, आपका यूटिलिटी वेजिटेरियन है, मेरा नॉन वेजिटेरियन है, है ना। ऐसा मान लीजिए कि एक ब्लाइंड पर्सन है तो भाई वो देख नहीं सकता, तो उसको सिनेमा का कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जो देख सकता है उसको यूटिलिटी है सिनेमा का, एग्जाम्पल राइट। तो आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अब देखो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इक्वल वो चीज़ में, ओके। इथिकली, इथिक्स मतलब जो बताता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब अगर आप जो है अपने पेरेंट्स के सामने किसी को गाली दे रहे हो तो क्या वो सही है, नहीं सही है, ठीक है। या तो फिर आप किसी से किसी का सामान चोरी कर रहे हो तो वो क्या है, गलत है, है ना। इथिकली अगर सही से देखा जाए, मतलब आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और फिर आप उस चीज़ को देख रहे हो तो वो गलत है ना, उस चीज़ को आपको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, राइट। तो इथिक्स मतलब जो हमको बताता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेकिन यूटिलिटी का जब केस आता है, मतलब जब आपकी ज़रूरत होती है, तो उस केस में इथिक्स का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। इथिक्स मतलब क्या बात, इथिक्स मतलब क्या होता है, विच टेल्स एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वो चीज़ हमको इथिक्स बताता है। तो यूटिलिटी के केस में क्या होता है, इथिक्स फॉलो नहीं किया जाता है, वो सेम होता है सबके लिए। आप मान लीजिए कि आप एक हाउस वाइफ है, वो जो है नाइफ का यूज़ करती है वेजिटेबल्स कट करने के लिए, लेकिन एक चोर क्या करता है, उसी चीज़ को यूज़ करता है चोरी करने के लिए, है ना। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इथिक्स फॉलो नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो इथिकल कंसिडरेशन। यूटिलिटी जब, यूटिलिटी की जब बात आती है तो उसमें इथिकल कंसिडरेशन कोई कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि एक स्मोकर है तो स्मोकिंग करेगा, राइट। तो वहाँ पे वो थोड़ी ना सोचेगा कि पीऊँगा तो मेरा तबियत का मतलब ये होगा, या बाजू में कोई गुजर रहा है उसको इनहेल करेगा तो उसने, कुछ इथिक्स वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब उस चीज़ को नहीं सोचा जाता है कि ये सही है क्या गलत है, सिर्फ वो ज़रूरत है तो वो चीज़ करेगा ही करेगा बंदा, राइट। चोर है तो चोरी करेगा ही करेगा। द कमोडिटी शुड बी सेटिस्फाई एनी वॉन्ट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कि किसी का जो वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई करेगा उस चीज़ का, ठीक है। उसमें कोई इथिक्स बैड और ऐसा गुड, अनडिजायरेबल डिजायरेबल ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे नाइफ एज ए यूटिलिटी कट द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एज वेल, इट कैन बी यूज फॉर हार्म समवन एल्स, सो इट दैट इज अन्यूट्रल। वो इथिक्स का एक न्यूट्रल है, ठीक है। इथिकली कैन नॉट बी लाइक यूटिलिटी के केस में इथिकली हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी इज अ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो यूटिलिटी आपको समझा, यूजफुलनेस मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमारे लिए सही हो। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो है अगर आप स्मोकिंग करोगे तो क्या आपके लिए वो यूज़फुल है, नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह में एक एप्पल कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए सही है, राइट, वो आपके लिए यूज़फुल है, है ना। आप टाइम पे स्टडी करोगे तो आपके लिए वो सही है, राइट। तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में डिफरेंस क्या होता है, अब ये क्या बोलता है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों क्या डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो यूटिलिटी है और यूजफुलनेस है वो डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि हमको कुछ ऐसे कमोडिटीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो। अब मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, वो है स्मोकर, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, सिगरेट होगी, लेकिन क्या वो यूज़फुल है क्या, नहीं है। तो इसके लिए बोला है यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। समझा कि नहीं समझा, क्या मैंने बोला, आपका एक फ्रेंड है जो स्मोकर है तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, सिगरेट की, सिगरेट यूज़फुल है क्या, नहीं है, लेकिन वो कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए यूटिलिटी क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी हैज़ अ पावर और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, वाइल यूजफुलनेस इज़ द बेनिफिट दैट कंज्यूमर गेट। अ कमोडिटी मे हैव द यूटिलिटी बट नॉट बी यूजफुल। यूटिलिटी है लेकिन ज़रूरी नहीं वो यूजफुल हो। अ सिगरेट हैज़ अ यूटिलिटी फॉर स्मोकर। एक सिगरेट पीने वाले को जो है सिगरेट का ज़रूरत है, ठीक है, उसका यूटिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसको क्या करे, यूजफुल हो उसके लिए, जो कि वो हेल्थ के लिए जो है हजार्डियस है, इंजीरियस टू हेल्थ है, राइट। तो समझा, यूटिलिटी डिफरेंट है प्लेजर से। अब यहाँ पे बात आती है, यूटिलिटी डिफरेंट है प्लेजर से। प्लेजर मतलब आपको बहुत भूख लगी थी और आपको खाना मिल गया, आपने कंज्यूम किया तो आपको बहुत खुशी मिली, है ना, तो वो क्या हो गया, प्लेजर हो गया, ठीक है। आप जो है मान लीजिए कि आप बहुत प्यासे थे और आपको पानी मिल गया तो आपने पानी पिया तो बहुत आपको प्लेजर मिला, ठीक है, वो होता है प्लेजर, ठीक है, एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है।
यूटिलिटी डिफरेंट है प्लेजर से। क्यों? क्योंकि हमको यूटिलिटी है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमको प्लेजर दे। क्या मैंने बोला? यूटिलिटी है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद हमको प्लेजर मिले। देखो, सम गुड्स हैज़ अ यूटिलिटी, बहुत कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसका यूटिलिटी है। अब मान लीजिए कि पैंडेमिक सिचुएशन है तो हमको वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन जब हम वैक्सीन अपन लगवाते हैं तो हमको जो पेन होता है क्या हो, हमको प्लेजर देता है क्या? नहीं देता है। तो यूटिलिटी है लेकिन वो प्लेजर नहीं देता, इसके लिए क्या है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे एग्जांपल, नो वन एंजॉय द टेकिंग द बिटर मेडिसिन और इंजेक्शन। समझ में आ गया बात? चलो, यूटिलिटी है, डिफरेंट है सेटिस्फैक्शन से। क्यों? यूटिलिटी क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यूटिलिटी मतलब आपको उस चीज़ का नीड है, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको कब मिलता है? When you will get satisfaction, you will get satisfaction only after consuming that particular commodity. So utility is a starting point and satisfaction is the being point, end point. Satisfaction आपको तभी मिलेगा जब आप consume करोगे। Utility तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को bike चाहिए, मेरे को airplane चाहिए, मेरे को इधर घूमना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है utility। ठीक है, लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब वो चीज़ हमको मिलेगी, राइट? तो इसके लिए बोलता है यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर दी डिफरेंट, बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ अ एंड पॉइंट। ओके, ये बिगिनिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और सेटिस्फैक्शन हमको तभी मिलेगा जब हम उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे तब। ओके, चलो, जैसे मान लीजिए आप प्यासे थे, आपको प्यास लगी थी, तो आपका यूटिलिटी क्या था? वाटर का। आपने वाटर कंज्यूम किया, उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन। इसके लिए यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर डिफरेंट। विदाउट यूटिलिटी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल। अब ये क्या होता है सर? देखो, हम लोगों को जो है यूटिलिटी को मेजर करना वो डिफिकल्ट होता है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बहुत भूख लगी थी, आपको मैंने जो है एक वड़ा पाव खिला दिया आपको। ठीक है, आपने एक वड़ा पाव खाया, तो मैं बोलूँगा एक वड़ा पाव खाया तो तेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 10 सेटिस्फैक्शन मिला, 20 सेटिस्फैक्शन मिला। कैन यू से दैट? नो, आप सिर्फ एक्सप्रेट कर सकते हो, यार थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा, बहुत भूख लगी थी, खिला दिया तूने, बहुत मज़ा आया। ठीक है, ये चीज़ आप बोलोगे, मतलब आप सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे कि 1, 2, 3 मेरे को 10 मिला, 20 मिला है, एक गिलास पानी पिया तो बोला मेरे को 10 खुशी मिली। यू कैन नॉट से लाइक दैट, राइट? सो यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो, दैट इज़ इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली, राइट? तो यही चीज़ बोलता है, इट कैन नॉट बी मेजर। इसके लिए बोलता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, इसलिए है बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली, दैट मीन्स नंबर्स 1, 2, 3 में आप मेजर नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पज है। अब मान लीजिए कि आप लाइट का यूज़ करते हो, तो मोबाइल चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए, उसके बाद फिर आप जो है दूसरी मतलब पंखे चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते, राइट? तो यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब आप एक से ज़्यादा चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो वो होता है मल्टीपर्पज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मतलब होता है अर्जेंसी। ठीक है, कितना अर्जेंट है? अब मुझे बताइए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो आपकी यूटिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा होगी। किसके लिए? वाटर के लिए। तो यूटिलिटी जो होता है वो डिपेंड होता है कितना अर्जेंसी आपको, कितना अर्जेंट है। अगर ज़्यादा अर्जेंट होगा तो यूटिलिटी भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। अगर अर्जेंट कम होगा तो यूटिलिटी भी क्या होगी? कम नहीं होगी। जैसे मुझे जो है लैपटॉप चाहिए, तो मैं बोलूँगा आईफोन का मुझे लैपटॉप, मतलब एप्पल का मैक का मुझे, मैं बाद मतलब उसका यूटिलिटी मुझे नहीं है, मेरे पास जो है वो नॉर्मल वही चीज़ का यूटिलिटी, क्योंकि वो मेरे को चाहिए नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं मिला तो भी चल जाएगा मेरे को। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए चाहिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वही बोलता है द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। द मोर अर्जेंट और इंटेंस द वॉन्ट, मोर विल बी यूटिलिटी। जितना ज़्यादा अर्जेंट होगा उतना ज़्यादा उस चीज़ की यूटिलिटी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी, फूड इज हायर फॉर हंग्री पीपल। जो बहुत ज़्यादा भूख रहेंगे उसको फूड का बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगा। ठीक है, एंड मेडिसिन का रिक्वायरमेंट लाइक एंड यूटिलिटी डिक्लाइन विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर। और जैसे जैसे उसकी भूख मिटते जाएगी वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी खत्म होती जाएगी। यूटिलिटी इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच। उस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं।
आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, अगर आपको समझ रहा होगा तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को, ठीक है, आप फील कर सकते हो, लेकिन आप जो है उस चीज़ को देख नहीं सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, ओके, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उस चीज़ का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल बोलते हैं। तो यूटिलिटी इज इंटेंजिबल इन नेचर, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बी टच और सी, इट कैन ओनली बी फेल्ट ओनली बाय द यूज़ ऑफ कमोडिटी। आप जब उस कमोडिटी का यूज़ करोगे, आप मान लीजिए होटल में खाना खाने गए, बहुत अच्छा फूड था, तो आप बोलोगे ना कि बहुत अच्छा फूड था, आप उस चीज़ को डिलीशियस बोलोगे, राइट, बहुत डिलीशियस फूड था, बहुत मज़ा आया, तो ये क्या कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, है ना। चलो क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। देखो यूटिलिटी इज अ पावर एंड कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, ये हम लोग ने बेसिक नीड वॉन्ट्स हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है। अब उसके टाइप्स क्या है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग यूटिलिटी होती है, डिफरेंट यूटिलिटी, राइट। तो हम लोग ने पढ़ा था रिलेटिव यूटिलिटी, ठीक है, और टाइम यूटिलिटी, उसका भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। देखो फॉर्म यूटिलिटी, देखो फॉर्म यूटिलिटी क्यों है, फॉर्म यूटिलिटी पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। देखो फॉर्म करना मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंक है, उस लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, उसका शेप एंड साइज चेंज कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक वुड है दैट विल कन्वर्टेड इनटू चेयर और फर्नीचर, तो वो क्या हो गया, एक फॉर्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, चेंज कर दिया उसका शेप एंड साइज। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो हम लोग ने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मुझे एक टेबल चाहिए, उस टेबल के लिए मुझे जो है लकड़े का यूज़ रहेगा, राइट, उसमें तो वो समझिए कि जो लकड़ा था उसको कन्वर्ट करके एक टेबल बना दिया गया, तो वो टेबल का क्या हो गया, यूटिलिटी हो गया, राइट। सो हम लोगों को फॉर्म यूटिलिटी का ज़रूरत पड़ता है, ओके। सो फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होता है, व्हेन यूटिलिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज, मतलब कोई प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है या चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, चेंज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल। एक वुड कन्वर्टेड इंटू फर्नीचर, दैट इज चेंजिंग द शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस यूटिलिटी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में एप्पल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वही सेम एप्पल जब वो सिटी में आ जाता है, और सिटी में क्या होता है, एप्पल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़्यादा नीड, ज़्यादा यूटिलिटी है। सो यूटिलिटी विल बी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एप्पल हैज़ अ मोर यूटिलिटी इन सिटी बट हैव लेस यूटिलिटी इन द एरिया वेयर द गुड्स लाइक कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड, समझ रहे हो मेरी बात, राइट। तो जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे उस चीज़ की यूटिलिटी कम होती है, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ नहीं है उस चीज उस जगह पे यूटिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो टाइम यूटिलिटी हमने डिस्कस किया है कि जैसे विंटर सीजन है तो आप किस चीज़ का डिमांड करोगे, टाइम टू टाइम हमारी यूटिलिटी भी क्या होती है, चेंज होते रहती है, ठीक है, हम लोगों ने रिलेटिव कंसेप्ट में पढ़ा। व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी, अब मान लीजिए कि अगर आपको, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो मेरा, ठीक है, आई एम गिविंग सर्विस। आप होटल में गए खाना खाने के लिए तो यू आर टेकिंग सर्विस। आपने जो है कहीं पे कंसल्ट करने के लिए गए करियर गाइडेंस के लिए, तो वो क्या ले रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है। सो सर्विस इज, सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू दी पीपल। एग्जाम्पल, टीचर्स कैन प्रोवाइड द सर्विस यूटिलिटी टू द स्टूडेंट, डॉक्टर कैन प्रोवाइड पेशेंट, है ना। आप, मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बीमार हो जाओ, है ना। चलो नॉलेज यूटिलिटी, हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज, मतलब अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमको उस चीज़ पता रहे, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जागो ग्राहक जागो, जो कंज्यूमर का है, उसमें कंज्यूमर का राइट है कि आप किधर पे भी, कोई भी प्लेस में, इंडियन के कोई भी प्लेस में, बड़े से बड़े मॉल में आप क्या कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो एज़ पर दी कंज्यूमर जो है, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर मूवमेंट एक्ट है 1986 आई थिंक, तो वो उस एक्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो कहीं पर भी, चाहे वो मॉल में ही क्यों ना हो, ठीक है। सो वो एक यूटिलिटी हो गया, राइट। दूसरी चीज़, हम एडवर्टीजमेंट बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या करने, मतलब एडवर्टीजमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है, कोई भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट क्यों होता है, ताकि आपको पता चले उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, है
है ना, उस चीज़ आपसे कोई चीट ना कर सके, है ना। सो जस्ट जस्ट टू फिल योर इन्फॉर्मेशन गैप, लाइक जस्ट टू फिल योर इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ें क्या होती है, नॉलेज यूटिलिटी होती है। एंड लास्ट वन इज पोजिशन यूटिलिटी। वॉट इज पोजिशन यूटिलिटी? पोजिशन यूटिलिटी बेसिकली मीन्स ये होता है, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आपने मोबाइल खरीदा, क्या खरीदा, आपने मोबाइल बाय किया, परचेस किया, मेरा एक दुकान है मोबाइल का, उस दुकान पे आपने आए, आप आए और आपने मोबाइल ख़रीदा। पहले मोबाइल का ओनर कौन था? मैं था। आपने ख़रीद लिया तो ओनर कौन बन गए? आप बन गए। तो मैं ओनर था, अभी आप ओनर हो, तो क्या हुआ, पोजीशन मतलब क्या होता है, जब ओनरशिप क्या होता है, जब ओनरशिप, यहाँ पे लिखा मैंने, जब ओनरशिप क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है, जब ओनरशिप क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है, तो उस केस को हम लोग, उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। क्या लिखा है, इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी परचेस अ फ्लैट, जब हम घर खरीदते हैं और पेइंग अ फुल अमाउंट, वी गेट द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। समझ रहे हो राइट? चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, टोटल यूटिलिटी रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से, ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, इसका रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपको कैसा लेक्चर लगा अभी तक, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कुछ सजेशन होगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है नोट्स या कोई भी चीज़ के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।